हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पिट एजुकेशन। फ्रेंड्स, बोके में सिनोनिम एंटोनिम्स की वर्ड्स कर रहे हैं और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। जो वर्ड्स मैं आपको करा रही हूँ सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ग्रेसियस वर्ड है आज का हमारा। ग्रेसियस पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। ग्रेसियस जिन वर्डों के लास्ट में ओ यू एस आते हैं वो वर्ड ऑलवेज एडजेक्टिव होते हैं। ग्रेसियस का मीनिंग होता है काइंड, जो दयालु होते हैं। ग्रेसियस हम उन्हें कहते हैं। ग्रेसियस दयालु पर्सन के लिए आता है जो बहुत बेनिफिशियंट होते हैं। सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम है इसके कोर्टियस, बेनिफिशेंट, मैग्निफिसेंट, डिग्निफाइड। ओके, तो कोर्टियस दयालु के लिए आता है, बेनिफिसेंट दयालु को बोलते हैं, मैग्निफिसेंट जो बहुत परोपकारी होता है दयालु होता है, डिग्निफाइड जो बहुत डिग्निफाइड होता है, आत्मसमर्पित होता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे वर्ड्स की मीनिंग। कोर्टियस, बेनिफिसेंट, मैग्निफिसेंट और डिग्निफाइड, ये सभी सिनोनियम हैं ग्रेसियस के। एंटोनियम है रूड, अनफॉरगिविंग, डिसकोर्टियस और अनकोर्टली। ओके, तो डिसकोर्टियस, अनकोर्टली, रूड कहते हैं असभ्य, जो बहुत असभ्य होता है। अनफॉरगिविंग, जो देना नहीं चाहते हैं वो क्या होते हैं, अभद्र होते हैं। उनका व्यवहार कैसा होता है, अभद्रतापूर्ण होता है। डिसकोर्टियस कहते हैं असभ्य, अनकोर्टली असभ्य के लिए आता है, जो बहुत जिनका नेचर कैसा होता है, असभ्य नेचर होता है, रूड होता है उनका नेचर, क्रूर नेचर होता है, वो दयालु नहीं होते। ओके, उन्हें हम क्या, ये सभी क्या है, एंटोनियम है रूड, अनफॉरगिविंग, डिसकोर्टियस और अनकोर्टली। याद रखेंगे, बट इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। ग्लट, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्लट, ग्लट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ग्लट का मीनिंग होता है टू एक्सेस, बहुत अधिक करना, अधिक के लिए आता है ग्लट, जब कोई चीज बहुत अधिक हो जाती है, जैसे टू ईट लाइक ए ग्लूटन, कि भुक्कड़ की तरह खाना, भुक्कड़ की तरह खाना, पेटू की तरह खाना, ओवर इंडल्ज, बहुत ओवर हो जाना, बहुत अधिक हो जाना। ओके, तो ग्लट का मीनिंग आता है जब हम किसी चीज को ठूस ठूस कर भर देते हैं, या हम ठूस ठूस कर खाते हैं, भुक्कड़ की तरह खाने पर लगे रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। ओके, पेटू बोलते हैं जिसको, तो ग्लूटन से ही ग्लट बना है। ओके, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। तो याद रखेंगे वर्ड को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनियम देखते हैं, स्टफ, सेटिएट, ओवरफ्लो, क्रैम। ओके, स्टफ कहते हैं जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा भर देते हैं, स्टफ कर देते हैं उसको, ठूस ठूस कर भर देते हैं। सेटिएट कहते हैं संतुष्ट होना, जब हम किसी चीज के लिए संतुष्ट हो जाते हैं कि पूरा भर गया, उसको हमने बहुत ज्यादा भर दिया। ओवरफ्लो कर देना, बहुत ओवर कर देना उसको। ओके, वो इतना ओवर हो गया कि फ्लो होने लगा, बहने लगा। क्रैम, क्रैम कहते हैं ठूसना। ओके, तो याद रखेंगे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टफ, सेटिएट, ओवरफ्लो, क्रैम, ये सभी सिनोनियम हैं। एंटोनियम देखते हैं रेड्यूस, रेड्यूस कहते हैं कम करना, एब्सटेन, रोकना किसी चीज को। ओके, और मॉडरेट, उसको सीमित रखना, पर्याप्त मात्रा में रखना। रेस्ट्रेन कहते हैं रोकने के लिए, जब किसी चीज को हम करने से, ज्यादा करने से रोकते हैं। ओके, तो रेड्यूस, एब्सटेन, मॉडरेट, रेस्ट्रेन, ये सभी एंटोनियम है। तो याद रखेंगे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूम। ग्लूम वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। ग्लूम, उदासी बोलते हैं जिसको। आ फीलिंग ऑफ मेलनकली, एक दुख की भावना, जब कोई दुखी होता है उसके लिए आता है ग्लूम। मेलनकली हम जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मेलनकली भी। सिनोनियम है सैडनेस, दुखी होना। मेलनकली दुख के लिए आता है। डोल ड्रम, उदासी के लिए आता है। डोल ड्रम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डोल ड्रम्स। और अबस्क्योरिटी, अबस्क्योरिटी आता है अंधकार के लिए। जब हमारी जो लाइफ है वो उदास हो जाती है, तो उसको हम क्या, हमारा जीवन कैसा हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। अबस्क्योरिटी कि वो डार्कनेस हो जाता है, अंधकार में होना। डिजेक्शन, निराशा से भर जाता है। डिजेक्शन कहते हैं निराशा से भर जाता है। डिसइल्यूजन आता है, बिल्कुल सारी जो हमारी जीवन है वो भ्रम बनने की स्थिति में आ जाता है, निराश हो जाते हैं हम। और क्या हो जाते हैं हम, ग्रीफ, दुखी। ओके, तो ये सभी क्या है, सिनोनियम है सैडनेस, मेलनकली, डोल ड्रम्स, अबस्क्योरिटी, डार्कनेस, डिजेक्शन, डिसइल्यूजन, ग्रीफ, सभी वर्ड इंपोर्टेंट लिए हैं मैंने।
तो इनको याद जरूर रखेंगे, ग्लूम के सभी सिनोनियम है। ओके, आपको कोई भी एग्जाम में वर्ड आ सकता है इनमें से, और 100% फ्रेंड्स जो मैं आपको वोकैब करा रही हूँ आपको इनमें से देखने को अपने एग्जाम में जरूर से जरूर मिलेगी। आप इग्नोर नहीं करना, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा मेरे साथ। और एंटोनियम है डिलाइट, डिलाइट कहते हैं प्रकाश। जब उदासी हो, उदास होगी दुनिया हमारी तो वो या प्रकाश में भी होगी, तो एंटोनियम क्या हुआ, डिलाइट, प्रकाश। मर्थ कहते हैं, मर्थ आता है खुशी के लिए, कि प्रसन्नता होना, खुशी होना। जोबिलिटी आता है, जो ऐसे बना है, जोबिलिटी आता है खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए। ओके, ब्राइट, चमक होना, खुश होना। ओके, डिलाइट, मर्थ, जोबिलिटी, ब्राइट, ये सभी एंटोनियम है और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ आज ये वर्ड लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके। आप देख सकते हैं सिनोनियम भी, आप एक वर्ड याद करेंगे तो उनसे कितने आपको सिनोनियम मिले हैं, कितने वर्ड्स आपके याद होंगे। तो याद जरूर रखेंगे इन वर्डों को, नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिए फ्रेंड्स। और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट कराती हूँ आपको, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।